हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 45 के बारे में। तो फ्रेंड्स, कुछ MCQs को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आप सभी वीडियो को फॉर्मेट जानते हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर पहले क्वेश्चन में आपको करना है मैच द फॉलोइंग। आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है, जहां पर आप 10 सेकंड के अंदर हमें कमेंट करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए का जो करेक्ट मैच है वो है, यानी कि दी एनालिटिकल इंजन का करेक्ट मैच है नंबर 3 चार्ल्स बेबेज। बी पर है पास्कलाइन और इसका करेक्ट मैच है नंबर 4 यानी कि अरिथमेटिक मशीन। सी का करेक्ट मैच है, यानी कि एनिक का करेक्ट मैच है नंबर 1 जॉन मॉशली। और डी यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसका करेक्ट मैच है नंबर 2 मशीन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दी एनालिटिकल इंजन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसे डिज़ाइन किया गया था। इंग्लिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर पायनियर थे चार्ल्स बेबेज द्वारा। तो दैट्स वाई दी एनालिटिकल इंजन का करेक्ट मैच था चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस किया था दी एनालिटिकल इंजन को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में था पास्कलाइन और इसका करेक्ट मैच था अरिथमेटिक मशीन। ये क्या है? एक अरिथमेटिक मशीन है, यानी कि फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन है। कौन? पास्कलाइन। और पास्कलाइन जिसे डिजाइन और बनाया गया था फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर है ब्लेज पास्कल, उनके द्वारा डिजाइन किया गया था और बिल्ट किया गया था। कब? 1642 से 1644 के बीच में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में है एनिक। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है किसका? एनिक का। और ये भी हमारे पास मैच में दिया गया था और इसका करेक्ट मैच था जॉन मॉशली, क्योंकि इसे इन्वेंट किया गया है जॉन मॉशली और जे प्रेस्पर एस्कर्ट द्वारा। और एनिक क्या है? फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया था 1945 में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैच में था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और उसका करेक्ट मैच क्या था? मशीन लैंग्वेज। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता था? तो वो लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज, जो कि यूज़ की जाती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर्स वॉज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विद डैश, यानी कि दूसरी पीढ़ी के दौरान, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बात कर रहे हैं, वैक्यूम ट्यूबों को किसके साथ बदलकर कंप्यूटर के आकार को कम कर दिया गया था? फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का साइज था उसे डिक्रीज कर दिया गया था, यानी कि कम कर दिया गया था रिप्लेस करके, यानी कि फर्स्ट जो जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया था? ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर जिसे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर हैं जो यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स का, किसकी प्लेस पर? वैक्यूम ट्यूब्स की प्लेस पर। इसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे वो यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का, जो जनरेट करते हैं बहुत ही ज़्यादा हीट और भारी भरकम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यानी कि बल्कि होते हैं और अनरिलायबल थे, यानी कि भरोसेमंद नहीं थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है व्हाट नंबर सिस्टम डू कंप्यूटर्स यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं। वो संख्या प्रणाली है ऑप्शन ए बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ विकिपीडिया, यानी कि विकिपीडिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है।
इनमें से वो है ऑप्शन सी जिमी वेल्स, जिन्हें जनक के रूप में जाना जाता है, फादर के रूप में जाना जाता है विकिपीडिया के। कौन है जिमी वेल्स? विकिपीडिया की शुरुआत हुई इसके फर्स्ट एडिट के साथ कब? 15 जनवरी 2001 को, और दो दिन बाद डोमेन जो है रजिस्टर किया गया किनके द्वारा? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, NIC स्टैंड्स फॉर। NIC स्टैंड्स फॉर, इनमें से ऑप्शन डी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सबसे पहले इसे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क अडेप्टर, और साथ ही साथ फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। किसे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। और ये कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। कौन? NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड डैश, यानी कि इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए डाटा या सूचना को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को डैश कहा जाता है। उसे कहा जाता है ऑप्शन ए वेब सर्वर। कंप्यूटर जो स्टोर करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को यूजर्स के लिए इंटरनेट पर, उसे कहा जाता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? कंप्यूटर है जो कि वेबसाइट्स को चलाता है, और इसके अलावा ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बांटता है वेब पेजेस को जब भी ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है वेब सर्वर का? स्टोर करना, प्रोसेस करना और डिलीवर करना वेब पेजेस को किन्हें? यूजर्स को। और जहाँ पर इंटर कम्युनिकेशन होता है किसका यूज़ करके? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट HTTP का यूज़ करके। और लास्ट में वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जहाँ पर वेब कंटेंट स्टोर होता है, और साथ ही साथ वेब सर्वर को ही इंटरनेट सर्वर के नाम के साथ जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, अ स्मॉल पीस ऑफ डाटा सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन द यूजर्स वेब ब्राउजर इज कॉल्ड डैश, यानी कि एक वेबसाइट से भेजे गए और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउजर में संग्रहित डाटा का एक छोटा सा टुकड़ा डैश कहलाता है। वो कहलाता है ऑप्शन बी कुकी, जो कि स्मॉल पीस ऑफ डाटा होता है जिसे भेजा गया होता है वेबसाइट से और स्टोर होता है यूजर के वेब ब्राउजर में, उसे क्या कहा जाता है? कुकी। कुकीज वो फाइल्स होती हैं जो क्रिएट की जाती हैं वेबसाइट्स द्वारा जहां पर आप विजिट करते हैं, जिन वेबसाइट्स पर आप विजिट करते हैं, और साथ ही साथ ये आपका जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है उसको और आसान बना देते हैं, सेव करके जो आपकी ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो आप ब्राउज़र में ब्राउज़ करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं, और आपका जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है उसको और आसान बना देते हैं। इन कुकीज़ के साथ जो साइट्स होती हैं वो आपको साइन इन रखती हैं, याद रखती हैं जो आपकी साइट प्रेफरेंसेस हैं, और साथ ही साथ आपको लोकल रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कंप्यूटर कुकी, इसे HTTP कुकी, वेब कुकी और इंटरनेट कुकी या फिर ब्राउज़र कुकी के नाम से भी जाना जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैं आपको बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम इन शॉर्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी आर अवेलेबल। इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। देर आर 2 मेन टाइप्स हैं रैम के, कौन कौन से? डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैम इन शॉर्ट SRAM। ये दो मेन टाइप्स हैं किसके? रैम के। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने कवर की 8 MCQs। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।